आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राज्य शासन द्वारा घोषित गैर राशन कार्ड धारकों को अस्थायी खाद्यान्न पर्ची के माध्यम से मुफ्त 3 महीने के राशन प्रदाय में हो रही अनियमितताओं के विरुद्ध और मॉनसून के पूर्व नगर मुख्य नाले और नालियों में व्याप्त गंदगी की व्यापक साफ सफाई के लिए जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष मामले को संज्ञान में लाया गया। उक्त कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल में जिला कांग्रेस प्रभारी महामंत्री ब्रजेश सिंह बघेल, कार्यकारी अध्यक्ष असलम खान, जिला कांग्रेस के प्रवक्ता राजिक अकील, राजेश माना ठाकुर, मोती राम कावरे, रमान सिंह, ऐश्वर्य, सुमित मिश्रा उपस्थित रहे। आज हम सब यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन लेकर कलेक्टर महोदय के पास आए थे। उस ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जिस तरह से दोनों वैक्सीन जो हमारे देश में बन रही हैं, दोनों के रेट केंद्र सरकार के लिए कुछ हैं, राज्य सरकार के लिए कुछ हैं और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कुछ और रेट है। तो ये चूँकि केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था है हमारे देश में, तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वो सभी वैक्सीन के रेट एक से रखें ताकि आम आदमी को वैक्सीन सहज सुलभ दरों पर उपलब्ध हो। और जो सरकार को विशेष मांग ये की गई है कि सरकार जो है वो मुफ्त में सबको वैक्सीन लगवाए, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से लगे, चाहे वो केंद्र सरकार के माध्यम से लगे, चाहे वो प्राइवेट अस्पतालों के माध्यम से लगे, लेकिन भारत के हर नागरिक को फ्री में वैक्सीन लगनी चाहिए। इस बात की मांग लेकर हम अभी माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे और साथ ही में हमने उनसे जो अस्थायी खाद्यान्न पर्ची जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे और जब उनको जो 3 माह का निःशुल्क राशन देने की घोषणा की थी प्रदेश सरकार ने अभी, तो उसके लिए भी हमने बात की, क्योंकि क्या हो रहा है कि कभी पोर्टल बंद है, कभी पर्ची मिलने के बाद भी राशन नहीं मिल रहा है, राशन दुकान पर जाओ तो वो कहता है मेरे पास अभी आवंटन नहीं आया है, तो उसके लिए भी कलेक्टर से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज या कल तक ये भी मामला सुलझा दिया जाएगा। और साथ ही में जो अभी नगर पालिका में मानसून के पहले जो हमेशा ऐसा रहा है कि भाई जितने भी नाले हैं उन सबको सफाई की जाती है, लेकिन अभी तक नगर पालिका द्वारा इन नालों की सफाई प्रारंभ भी नहीं की गई है, उस विषय में भी हमने उनसे उनकी संज्ञान भी लेके आए इस बात को साहब कि मानसून अब आने वाला है, उसके पहले शहर के सभी छोटे बड़े नालों की सफाई कर ली जाए ताकि बरसात में नाले का पानी सड़कों पर ना आए और लोगों को नुकसान ना हो। बहुत